बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम नैंड गेट को स्विचेस की मदद से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इससे पहले हम बेसिक लॉजिक गेट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाना सीख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम नैंड गेट के सिंबल की बात करते हैं। नैंड गेट का सिंबल इस तरह का होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। इस केस में जो हमने नैंड गेट चूज़ किया है, इसकी टू इनपुट्स हैं ए एंड बी, और एक्स जो है ये इसकी आउटपुट है, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी कम्प्लीमेंट। नैंड गेट जो है बेसिकली एंड गेट का इन्वर्टेड वर्जन होता है, यानी कि अगर हम एंड गेट की आउटपुट के सामने नॉट गेट लगा दें तो वो हमारे लिए नैंड गेट का काम करेगा। इस डायग्राम में आपको जो बबल नज़र आ रहा है, इसको हम इन्वर्टर सर्किट की वर्किंग को ट्रुथ टेबल की मदद से समझते हैं। फर्स्ट केस में जब S1 और S2 दोनों ओपन हैं तो उस वक्त करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इन स्विचेस में से कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है ओपन स्टेट में ये स्विचेस क्या करते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और करंट जो है वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ क्लोज पाथ में फ्लो करेगा और हमारी आउटपुट जो है वो वन हो जाएगी। सेकंड केस में अगर हम S1 को क्लोज कर दें और S2 को ओपन रहने दें, यानी कि A को वन कर दें और बी को ज़ीरो रहने दें, तो अगेन करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा क्योंकि S2 ओपन है, फिर भी करंट इसी पाथ को फॉलो करेगा और अगेन हमारी आउटपुट जो है वो वन हो जाएगी। थर्ड केस में जब हम S1 को ओपन कर देंगे और S2 को क्लोज कर देंगे, उस वक्त करंट जो है वो इस तरह फ्लो नहीं करेगा लेकिन उसी पाथ को फॉलो करेगा और हमारी आउटपुट जो है थर्ड केस में भी वन हो जाएगी। लास्ट केस में अगर हम इन दोनों स्विचेस को क्लोज कर देते हैं तो अब हमें पता है कि दोनों स्विचेस शॉर्ट सर्किट हो चुके हैं, और शॉर्ट सर्किट के केस में रेजिस्टेंस जो होती है अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो जाती है, इसलिए करंट अब इस पाथ को फॉलो नहीं करेगा बट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब करंट इस क्लोज पाथ में फ्लो करना शुरू कर देगा और एलईडी और रेजिस्टर में से करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और हमारी आउटपुट भी ज़ीरो हो जाएगी। अब हम इस सर्किट को प्रैक्टिकली ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा के वेरीफाई करते हैं। लॉजिक को वेरीफाई करने के लिए हमें जिन कंपोनेंट की ज़रूरत होती है उनको देख लेते हैं। ब्रेडबोर्ड, पेयर ऑफ स्विचेस, कनेक्टिंग वायर्स, एलईडी, लॉजिक इंडिकेटर, वन के रजिस्टर, पावर सप्लाई। अब हम इन कंपोनेंट्स को ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट डायग्राम के मुताबिक सर्किट की वर्किंग को प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हमारे पास स्विच S1 है, ये स्विच S2 है, ये एलईडी है जो हमारी आउटपुट को इंडिकेट करती है, ये 1K का रजिस्टर है, ये पावर सप्लाई हमने ब्रेडबोर्ड में लगाई हुई है, और ये एलईडी जो है ये एज ए पावर इंडिकेटर इस्तेमाल की गई है। येलो कलर की जो वायर है ये ग्राउंड वायर है और इसको हमने एलईडी के कैथोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये वाली जो वायर है ऑरेंज कलर की, इसको हमने वीसीसी के साथ यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब हम
की सर्किट की वर्किंग को समझते हैं। फर्स्ट केस में जब S1 और S2 दोनों ओपन हैं, हमारी आउटपुट जो है वो 1 है। अगर हम S1 को क्लोज करें और S2 को ओपन रहने दें तो फिर भी हमारी आउटपुट जो है ये 1 रहेगी। अब देखें, हमने S1 को क्लोज़ किया, S2 को ओपन रहने दिया, हमारी आउटपुट जो है वो 1 है। अगर हम इसको ओपन कर दें और इसको क्लोज़ कर दें फिर भी हमारी आउटपुट जो है वो 1 रहेगी। अब लास्ट केस में अगर हम इन दोनों स्विचेस को क्लोज़ कर दें तो हमारी आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगी। उम्मीद है आपको सर्किट की वर्किंग समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। शुक्रिया।